कराहल में जीतू पटवारी की जनसभा। कलेक्टर से बोले, गड़बड़ी करोगे तो हैसियत आपकी हम बताएंगे। वन मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 महीने का आतंक है, इसका अंत जनता करेगी। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी 2 दिवसीय विजयपुर उपचुनाव को लेकर विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर है। मंगलवार दोपहर 3 बजे के बाद कराहल में जनसभा में शामिल हुए। उन्होंने कलेक्टर किशोर कल्याण पर गंभीर आरोप लगाते हुए हमला बोला। बोले, ये वही कलेक्टर है जिन्होंने दलित को कहा था कि तेरी हैसियत क्या है, तेरी औकात क्या है। ऐसे कलेक्टर को इसलिए मिला है ताकि वह दलितों की, आदिवासियों की आवाज को दबाया जाए। मैं कलेक्टर से कहना चाहता हूं कि कितने भी चाकरी करो, गड़बड़ी करूंगी तो हैसियत आपकी हम बताएंगे। यहां पर किसी अधिकारी ने, किसी कर्मचारी ने गड़बड़ की तो कानून का काम अपना होगा, जनता अपना काम चुनाव में चलते करेगी। विजयपुर और बुधनी के उपचुनाव की घोषणा हुई है, हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। विजयपुर का जो 10 महीने का आतंक है, माफियाओं की सरकार है, ये लोकतंत्र की हत्या है, दल बदल कराकर लूट की गई है, इसका अंत विजयपुर की जनता करेगी। मैं पक्के भरोसे विश्वास से कहना चाहता हूँ कि जैसे शुरुआत होती है, मैं मानता हूँ कि सीएम की जो घोषणाएं है वह 30 साल में पूरी नहीं हुई। विजयपुर की जनता को पता है कि ये एक धोखा है, फरेब है। मैं मानता हूँ कि कांग्रेस जीतेगी और आतंक का अंत होगा। कराहल को नगर पंचायत बनाने की घोषणा पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये कोरी घोषणा है, जो काम 30 साल में नहीं हुआ, क्या अब पूरा करेंगे, ये जनता से धोखा है। संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव के। 13 तारीख विजयपुर और बुधनी के चुनाव की घोषणा हुई है, जो मैं मानता हूँ हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। बीजेपी का जो 10 महीने का आतंक है, माफियाओं की सरकार है, और ये लोकतंत्र की हत्या और दल बदल कराकर आर्थिक लूट है, इसका अंत विजयपुर की और बुधनी की जनता करेगी। मैं पक्के भरोसे और विश्वास से कहना चाहता हूँ कि जैसा शुरुआत होती है, हम आज हैं और आज ही तारीख हुई, विजयपुर में 2 दिन लगातार ब्लॉक वाइज मीटिंग है और यहीं पे तारीख की घोषणा हुई है। मैसेज है इस बात का कि कांग्रेस जीतेगी और बीजेपी हारेगी। मैं मानता हूँ कि लगातार सीएम की और सरकार की घोषणा है, जब 30 साल से यहाँ विकास, 25 साल बीजेपी का राज रहा और नहीं हुई, तो विजयपुर की जनता को पता है धोखा है, ये एक तरह से फरेब है। और मैं मानता हूँ आतंक का अंत होगा और कांग्रेस की विजय होगी। टिकट 1 दिन कल का बचा है, परसों घोषणा हो जाएगी, आप वेट करो। लोकप्रिय, सबका चहेता, जो जनता कहेगी, कार्यकर्ता कहेगा, वो प्रत्याशी। कलेक्टर ये वही है, मैं खासकर जितने हमारे दलित और जाट और आदिवासी समाज के लोग हैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ, और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कि ये कलेक्टर वो लेके आए हैं जिन्होंने, जहाँ इससे पहले था तो एक दलित को कहा था तेरी हैसियत क्या है, तेरी औकात क्या है, ऐसा कलेक्टर इसलिए लाए हैं कि यहाँ दलितों की और आदिवासियों की आवाज़ को दबाया जाए। मैं कलेक्टर साहब से कहना चाहता हूँ, कितनी चाकरी करो, गड़बड़ करोगे तो हैसियत आपके हम बताएंगे आपको। यहाँ पर प्रशासन के कोई अधिकारी ने, कोई कर्मचारी ने कोई गड़बड़ की तो कानून का काम भी अपना होगा, पर जनता भी अपना काम चुनाव चलते करेगी। कराल को 30 साल में कितनी बार घोषणा हुई और पूरी हो तो आप भरोसा होता। मैं मानता हूँ हर बार झूठ बोला, इस बार बड़ा झूठ है, जनता समझती है हराएगी, जनता जवाब देगी। 5 बार सीएम आ चुके हैं पटवारी जी। हाँ, और 10 बार आएंगे, फिर भी जीतेगी कांग्रेस।